हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक चिकन की रेसिपी। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपको मज़े का खाना भी खाना है तो ये रेसिपी आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं 5 डेज़ के लिए चिकन, और यहाँ पर मैंने ये लेग पीस ले लिए हैं चिकन के, और इनको आपने अच्छे तरीके से कट लगा लेने हैं जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। उसके बाद इसकी मैरिनेशन के लिए हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून लेमन, नमक, और इसके अंदर आपने डाल लेना है चिकन टिक्का मसाला, और ये थोड़ा सा फूड कलर आपने डाल लेना है, इससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा। उसके बाद सूखा धनिया पिसा हुआ, और 2 टेबलस्पून आपने ऐड करने हैं इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट के। अब आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं पकाने के लिए वही ऐड कर लें, और अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते तो फिर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अब आपने मिक्स कर लेना है। मुझे इसमें टिक्का मसाला थोड़ा कम लगा था, फिर मैंने थोड़ा ऐड और कर लिया। उसके बाद इसमें आपने ऐड करना है योगर्ट, ये ग्रीक योगर्ट है जो कि मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया हुआ है। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हम यूज़ करेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए। इस मैरिनेटेड चिकन को हम 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हों तो आप ये चिकन वीक में एक दफ़ा इसके 5 या 6 पीसेस लेके आप इसको मैरिनेट करके अपने फ्रिज में रख लें, और जैसे ही आपको भूख फील हो आप इसको निकालें और फ्राई पैन में जल्दी से बना लें। ये बहुत क्विक बन जाता है, और ये एक चिकन का पीस एक प्रॉपर मील होता है, एक टाइम के लिए इनफ होता है। अगर आप इसको मैरिनेशन के सेम डे पे कुक करना चाह रहे हैं तो फिर इसको एटलीस्ट 1 आवर का रेस्ट देना ज़रूरी है जब आप इसको मैरिनेट करते हैं। तो अब यहाँ पे 1 आवर हो गया है मसाला लगाए हुए, और अब मैं इसको रेडी करूँगी। मैं यहाँ पर 2 पीसेस रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल फ्राई पैन में गर्म किया है, और उसके बाद ये मैंने 2 पीसेस इसके अंदर ऐड कर दिए। जब ये एक साइड से फुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, उससे पहले इसके चेंज नहीं करना। ये देखें, अब यहाँ एक साइड से ये तकरीबन 60% कुक हो चुका है। अब इसकी दूसरी साइड कुक करेंगे। जब ये दूसरी साइड से भी तकरीबन 60% कुक हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। 2 or 3 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट ऐड करना है आपने इसमें। अगर आप 1 पीस बना रहे हैं तो फिर 1.5 टेबलस्पून ही काफ़ी है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अनियंस। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी लिया है, और 1/2 कप मैंने इसमें ग्रीक योगर्ट मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से, फिर उसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा टिक्का मसाला ऐड किया है। अब इसको मिक्स करके अच्छे से तो चिकन में ऐड कर देंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए रखेंगे। अब हमारा चिकन यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। मैंने एक कोयला गर्म करके दरमियान में रखा है और इसको कोयले का धुआं दिया है चिकन को, इससे चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसको गार्निश करें और इन्जॉय करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।